ਦੋਸਤੋ ਬਾਬੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਸ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? देखिए सर, अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूं तो ये सही बात है, क्योंकि सितंबर इनटेक है वो तो उसके लिए तो बातें ख़त्म हो चुकी हैं, फाइलें डल रही हैं, वीज़ाज आ रहे हैं, और अब जो बच्चों के ऑफ़र नहीं आ पाए उनको आगे डेफर किया जा रहा है। जो सितंबर में एप्लीकेशंस डली हैं जिनको ऑफ़र्स नहीं मिल पाए वो ऑटोमेटिक डेफर हो गए हैं, और इतने लार्ज लेवल पर डेफर हुई हैं कि वो सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी हैं कुछ प्रोग्राम्स को लेकर। नियाग्रा कॉलेज है, मेरे वहाँ कुछ बच्चे डाले हमने जैन इनटेक के, आप सोच सकते हैं डेडलाइन जो थी वो 15 मई उनको डेडलाइन दी गई है, ठीक है, उससे पहले की भी डेडलाइन है कुछ प्रोग्राम को लेके। तो आप सोच सकते हैं कि भाई अभी तो मई आया है और अगले जैन मतलब अभी सितंबर बाद जैन है, 8 महीने अभी पड़े हैं, उसके बावजूद भी मतलब कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन उन्होंने मई के फर्स्ट वीक में और इवन के 30 अप्रैल को भी ख़त्म कर दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉलेज भी इस चीज़ को लेकर सिक्योर होना चाहता है कि हाँ, बच्चे जिनके ऑफ़र दिए गए हैं क्या वो रियली जेन्युइन है, रियली इंटरेस्टेड है हमारे पास या नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये सारी की सारी क्या नाम है, एक तरह से सीटें क्लोज कर दी हैं और क्या नाम है, डेडलाइन दी गई है। हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने अभी सीटें ओपन ही नहीं की हैं, ठीक है, वो ओपन बाद में करेंगे, बट वो सिलेक्टेड कॉलेज हैं जिन्होंने सीटें ओपन करनी है। जैसे सीटें उनकी प्रोग्राम ओपन होंगे उसी टाइम आप ये सोच सकते हो 2 या 3 दिन के अंदर, इवन के कुछ घंटों के अंदर उनकी सीटें फिल हो जाती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका जैन का टारगेट है, आपको लगता होगा कि अभी तो साल पड़ा है या 8 महीने पड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम बहुत कम है, टाइम रहते अपनी आयल्स कंप्लीट करो और अपना क्या नाम है, टाइम रहते अपने जेन्युइन कंसल्टेंट से मिलो और अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। जी, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਅਭੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਭੀ ਰੀਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਦੇਖਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ। देखिए, अभी जो सेप्टेम्बर्स की फाइल चल रही है, सेप्टेम्बर्स की देखा जाए तो इसमें 3 फॉर्म होते हैं कनाडा में, वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म, स्टूडेंट क्वेश्चनिंग फॉर्म, फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, और डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं जाता इसके अलावा। एक तो ये 3 फॉर्म, इसके अलावा एकेडमिक 10th 12th या ग्रेजुएशन जो भी बच्चे ने की है, या बच्चे के पास क्या नाम है जो फी रिसिप्ट है, और इसके अलावा GIC, या इसके अलावा पासपोर्ट और आयल सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जाता है। लेकिन फॉर्म में ये चीज़ जरूर भरी जाती है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। अब फंड्स अवेलेबल एक तो आता है कि भाई ट्यूशन फीस कितनी है, जितनी ट्यूशन फी बच्चे ने पे की है या जितनी बच्चे के पास के ऑफर लेटर में वो लिखी जाएगी। रूम एंड बोर्ड में $10,000 या $10,200 लिखा जाता है, अदर्स में कोई अगर खर्चा तो वो लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है फंड्स अवेलेबल। फंड्स अवेलेबल आप किस तरीके से देखते हैं? आप पहली बात तो अभी जो डॉक्यूमेंट सर का क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। तो फंड्स अवेलेबल में आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे आपने GIC पे किया, वो आपके पास फंड अवेलेबल है, जो ट्यूशन फी पे कर दी वो अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास कोई और सेविंग है, कोई FD है, पोस्ट ऑफिस में पैसा पड़ा है, GPF PPF में पड़ा है, इसके अलावा कहीं और आपने कहीं और किसी सोर्स में पैसा लगा रखा है जो आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो वो चाहे आपके मम्मी पापा के पास है, आपके दादा दादी के पास, आपके भाई बहन के पास, वो फंड्स हैं जो अवेलेबल है। इसकी फोटोकॉपी आप अपने कंसल्टेंट को, एजेंट को ज़रूर देना ताकि वो एक्यूरेसी लिख सके कि भाई आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन की फ़ोटोकॉपी दें, क्योंकि यहाँ SPP के अंदर नहीं जाती है एजुकेशन लोन का
रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्यूशन फीस उसी से पे करते हैं। बच्चे ने 20 लाख का लोन लिया है, उसमें से 7 लाख 8 लाख 5 लाख फीस पे कर दी, रेस्ट उसके पास वो फंड्स अवेलेबल हैं एजुकेशन लोन में। अगर बैंक, अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज को चाहिए तो बैंक उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, तो फंड्स अवेलेबल है। तो एक उसकी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास किसी भी मोड में कोई भी फंड अवेलेबल है, रिक्वेस्ट आपसे है उन सब की फोटोकॉपी अपने एजेंट्स को, अपने अपने कंसल्टेंट्स को प्रोवाइड कराएं, ताकि वो इस कॉलम में फिल कर सकें कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है उसमें लिखा जाता है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपकी फैमिली में है उनका ऑक्यूपेशन क्या है और ऑक्यूपेशंस क्या है, तो और उनके पास इंडियन रुपीज में कितना उसकी एनुअल इनकम है और उसकी कैनेडियन डॉलर में कितनी अवेलेबल है। मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स की, चाहे वीडियोज कोई एजेंट्स देख रहा है, कोई कंसल्टेंट देख रहा है या स्टूडेंट देख रहा है, वो अपने दिल पे हाथ रख के देखना पूछेंगे, वो अपने स्टूडेंट से बात ही नहीं करते हैं कि भाई उसमें ऑक्यूपेशंस उसका एक्यूरेट लिखा जाए, ठीक है, और उसकी एनुअल इनकम जो है वो कितनी लिखी जाए, मतलब एज पर द एनुअल इनकम की तरीके से लिखी जाएगी जी जी। वो आईटीआर या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है। कंसल्टेंट्स हमेशा स्टूडेंट से ये चीज़ मांगते नहीं है और स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता है। अब होता क्या है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं उसमें, कल ने वीज़ा निकल गया तो मैं कुछ कहता नहीं, अगर वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो बच्चे को नॉन एसपीपी में जर्नल में फाइल लगानी है, तो जो जर्नल में फाइल लगती है वो जस्ट लाइक आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह लगती है, मीन्स आपको फंड्स भी दिखाने हैं, मीन्स आपको एनुअल इनकम भी दिखानी है, वो आईटीआर तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट वो दिखाना है। अगर आपने एसपीपी के फॉर्म में गलत लिखा है और जर्नल में आप कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हो, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, वीज़ा दोबारा रिजेक्ट हो सकता है, चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, अगर वो जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी आईटीआर या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट या बोथ जो भी है अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड कराएं, ताकि वो एक्यूरेट लिख सकें उसमें। अब उसका फ़ायदा यही है कि वीज़ा आ गया, वेल एंड गुड है, कल एम्बेसी कोई मांग लेती है तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वही चीज़ें भरी गई हैं जो उसके पास हैं। कल ने रिजेक्शन आती है, जर्नल में फाइल लगती है, तो सारे जो फॉर्म में फिल किए हैं उसके एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे। एक्चुअल आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हो जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे। तो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कब होंगे, आपके पास हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने प्रिपेयर करो। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है आज की डेट में, इन दीज डेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, पहले क्या होता था कि बच्चा 2 साल की आईटीआर भर लेता था, तो कई कॉलेज 2 साल की आईटीआर मांगते हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूँ तो, या नॉन एसपीपी की बात करूँ तो भी वीज़ा ऑफिसर यही देखता है कि ये तो इसकी पुरानी आईटीआर से इनकम टैक्स रिटर्न एनुअल इनकम है या नहीं है। तो पहले बच्चे 2-2 साल की भरवा लेते थे, अब रूल चेंज हो चुके हैं, अब आप 1 साल से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 साल बाद जाना है या 3 साल बाद जाना है विदेश, तो वो अभी से अपनी पेरेंट्स की, अपने ब्रदर सिस्टर की, जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड है, आईटीआर अभी से भरना शुरू कर दें। चाहे वो टैक्स फ्री है, एग्जम्पशन में है आते हैं, मतलब टैक्स नहीं पड़ता, या उनको टैक्स पड़ता है, तो मतलब जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने शुरू कर दें, मम्मी की आईटीआर, पापा की आईटीआर, भाई बहन की आईटीआर, ताकि आप 2 साल या 3 साल बाद आप जा रहे हैं तो वो चीज़ें आपके पास हैं, कल ने आपको हाई कमीशन को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब करंट वाले बच्चे जो सितंबर के हैं, अभी दिक्कत आ रही है कि भाई फॉर्म अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल नहीं है इनकम टैक्स भरने के लिए, मतलब आईटीआर भरने के लिए। तो जब भी अकाउंटेंट के पास या सीए के पास जा रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मैनुअल आईटीआर भरवा लें। मैनुअल आईटीआर का मतलब ये है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके, आपके जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपका आयकर विभाग या जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस बोलते हैं वो है, अपने अकाउंटेंट की, अपने सीए की हेल्प लेके, अपने फादर मदर की, भाई बहन की, जो भी जिससे भी रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है उससे रिलेटेड उनकी आईटीआर अभी भर लें। हाँ, ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बिलोंग करते हैं जलंधर से और आप चंडीगढ़ के अकाउंटेंट से बोलते हैं, सीए से बोलते हैं कि मेरी ऑनलाइन भर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ही भरनी पड़ेगी। हाँ, जब ये फॉर्म अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, अगर आपने आईटीआर भरनी है तो पूरे इंडिया में कहीं भी बैठ के आप भर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आज की डेट में ऐसी फाइल एम्बेसी में लग रही है कि सिर्फ एक एक्यूरेसी नहीं दी जा रही, वैसे ही एक अंदाज़ा लगा के कि मेरी फैमिली की इतनी इनकम है वो भरी जा रही है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
है, मैनुअल ITR अभी भी पॉसिबल है, अपनी ITR भरिए और ITR भर के अपनी फाइल लगाएंगे, इट विल बी बेटर, क्योंकि कल एम्बेसी पर मांगती है तो प्रोड्यूस कर सकते हो, रिजेक्शन आ गया नॉन SPP में फाइल लगती है तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। शायद थोड़े कहे वो ज़्यादा समझ लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो कई बच्चे इस तरह के ने जिन्हों के मई के रिजैक्शन आई कैनेडा के खास करके, सो जेकर वो बच्चे जनवरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला स्टैप की रहेगा, केप नोट्स कढ़ाने जरूरी रहेंगे जां इस तरह ही पुरानी फाइल में रिसर्च करके जो रीज़न लभ्या जा सकता है? देखो सर, अगर केप नोट निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें टाइम लगता है, ठीक है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आके मिलिए अपने रिजेक्शन लेटर के साथ में, प्लस में जो मैंने वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म बताया था, स्टूडेंट कोचिंग फॉर्म और फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये तीन फॉर्म की फोटोकॉपी लेके मिलिए, मैं उसी चीज़ में बता दूंगा कि आपको रिक्वायरमेंट है कैप्स नोट की या नहीं है। निकलवा लेंगे वेल एंड गुड है, एक प्रिपरेशन और ज़्यादा होगी आपकी। अगर नहीं भी निकलवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिजेक्शन लेटर लेके आइए और आपका वीज़ा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना यही है कि प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स रही हैं आगे वो रिपीट ना हो और आपका वीज़ा निकले। मई या सितंबर के जेके रिजल्ट देखिए तो किस जेहड़े कारण करके रिजेक्शन बच्चों की देखने को मिल रहा है? देखो हाई कमीशन एक अदर में आज जाके एक एक ही चीज़ लगाती है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि भाई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी ठीक नहीं है, आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो आगे रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियली आप कैपेबल नहीं हो, ठीक है, और आपकी जो क्या नाम है आगे का जो प्लान है वो ठीक नहीं है। कुछ को आता है कि भाई आप जाके वापस नहीं आओगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो रिफ्यूजल्स आते हैं उसमें यही रीजन्स होते हैं, और इन सब के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, बशर्ते कि आपकी प्रोफाइल हमें देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको आगे फर्दर अगर हम प्रोसीड करेंगे तो वीज़ा चांसेस हाई रहेंगे। जी, सो थैंक यू सर, शो दे विच ओनली सारी जानकारी देने के लिए। किसी भी कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा संबंधी जानकारी लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर फ्लैश किया जा रहा है, वैस्टर्न ओवरसीज 172 फेसबुक पेज में लाइक करके भी जोड़ी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। फिलहाल के लिए मैनू दियो आ गया, सत श्री अकाल।